सिंगरौली में 5 ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सार्वजनिक उद्योगों में निजीकरण करने का विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि केंद्र सरकार ने अब कोल इंडिया को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है, जिससे मजदूरों सहित सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सिंगरौली में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में देने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया है या उनकी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ा दिया है, जिससे कंपनियों के कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव से भी मजदूरों की स्थिति बिगड़ रही है। अब उनको 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्य करना पड़ रहा है। BMS के अध्यक्ष राजेश पटेल और सचिव शैलेंद्र पाठक का कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक रक्षा, रेलवे, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंप दिया है। अब कोल इंडिया की तैयारी है। इस दौरान सभी 5 कंपनियों के यूनियन ATTUC, BMS, INTUC, HMS, CITU के सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।